नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुकुलम इंदौर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवम गुप्ता आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, इसके अलावा अदर स्टेट में भी इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है, ये आपका बहुत प्रसिद्ध टॉपिक है। ये आपको इसमें 25 MCQ मिलेंगे। 25 MCQ में चार जो ऑप्शन रहेंगे आपके, वो भी अपन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 20 लिए हैं, आगे और भी आपको प्रश्नोत्तर मिलेंगे, MCQs मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठन या संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक है साहब, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार के अंतर्गत है ना, खुद में एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा दोनों कहा है ना। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको राइट टू रेमेडीज इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें आप 5 टाइप की रिट जारी कर सकते हो, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक, इस टाइप से अधिकार, प्रोच्छा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, जो काय में आता है, DPSP में आता है। मतलब क्या कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है, जो कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। कौन से भाग में है? भाग 4 में। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। 48 नहीं है, 51 नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, 40 में क्या लिखा है? ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। आगे देखो, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। किसके रूप में स्वशासन की इकाई, मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी एक यूनिट है, क्या है? आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार, मूल अधिकारों में तो कहीं नहीं मिला अपन को। ठीक है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार में लिए गए, इसलिए इतिहासकारों ने बोल दिया, बहुत सारे चीजें ली गई हैं, इसलिए इतिहासकारों ने क्या बोल दिया, यह संविधानकर्ताओं में कई सारे लोग थे जिनने आलोचना भी करी, और उनने बोला कि भारतीय संविधान उधार का थैला है या उधार की बोरी है। मीन्स में आता भी ये सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और अगर प्रियम्बल की बात करी जाए, प्रस्तावना कहां से ली गई? तो आपकी अमेरिका से। हम भारत के लोग, वहां पे लिखा है हम अमेरिका के लोग। ठीक, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, या फिर भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में। बिल्कुल, 73वां संशोधन 1992 में लोकसभा, राज्यसभा और 93 में लागू। मतलब कहने का कि जो संवैधानिक दर्जा दिलवाया वो 73वें और 74वें संविधान, 73वां मतलब पंचायती राज और 74वां मतलब 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993, वो आपका आ जाएगा अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट या नगरीय स्वशासन से। नेक्स्ट देखो, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ये अभी वर्तमान में ही पूछा है बिहार पीएससी ने, 2020 का सवाल है ये, चेक कर लेना आप, बीपीएससी 2020 में आया है ये। ठीक, कि तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए। तृतीय तल का मतलब वो बोल रहा है कि जैसी लोकसभा राज्यसभा, वैसा ही एक और कौन सा तल, मतलब ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन की बात कर रहा है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1993, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसके संबंध में राजीव गांधी का एक अमेंडमेंट आता है आपका, 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में। राजीव गांधी इसको पारित कराना चाहते थे, लेकिन लोकसभा में तो राजीव गांधी ने पारित करवा दिया था, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। और ये सुझाव किसने दिया था? तो 1986 में, 1986 में LM सिंघवी समिति आती है और वो ये बोलती है कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या दो, संवैधानिक दर्जा दो, क्योंकि पिछली बार 1985 में GVK राय, गणपति वेंकट कृष्ण रेड्डी, क्या बोलकर चला गया कि ये क्या है, बिना बस बिना जड़ की बांस है, एक ऐसे बांस जिनकी जड़ ही नहीं है। ये क्यों बोला? क्योंकि उनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा की सिफारिश LM सिंघवी ने 1986 में करी,
राजीव गांधी की सरकार ने तुरंत प्रस्ताव लाए, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ और ये कहीं ना कहीं खारिज हो गया। आगे चलकर जो आपका 73वां और 74वां था, नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उनने पारित करवा दिया, श्रेय ले गए वो। आप इस टाइप से सवाल भी बनेगा कि 73वां और 74वां या पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो किस प्रधानमंत्री के समय आई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते पंचायतों एवं नगर पालिका की अगर बात आ जाए तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और अगर पंचायतों की बात आ जाए तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समझ गए होंगे आप पंचायतों में क्या जाएगा, ग्राम जनपद जिला त्रिस्तरीय ढांचा, बलवंतराय मेहता समिति 1953 में बनी, 57 में रिपोर्ट सौंपी और बोला कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर पंचायत समिति बोला था, जिसको आप पंचायत जनपद पंचायत के नाम से जानते हो, मंडल स्तर पर इसने बोला था पंचायत समिति, अपने यहां चलती है जनपद पंचायत, बात एक ही है, और जिला स्तर पर इसने बोला था जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय ढांचा, पश्चिम बंगाल में देखोगे 4 स्तरीय ढांचा, तमिलनाडु में देखोगे 2 स्तरीय ढांचा, क्योंकि बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता आए 1977 में और वो बोलते हैं कि 2 स्तरीय ढांचे की वो बात करके चले गए, और तमिलनाडु में 2 स्तरीय ढांचा आज भी चल रहा है और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ढांचा चल रहा है। आगे बढ़ते इसका क्या है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1993, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत, वैधानिक शुरुआत मैंने बताई आपको कि कौन मर गया, राजीव गांधी निपट गए थे, ठीक। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, ठीक है, और लोकसभा से क्या हो गया था, पारित, राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया था, खारिज, अंततः इसका परिणाम क्या निकला, 0। लेकिन आगे चलकर 73वां और 74वां, लेकिन अगर राजीव गांधी नहीं लाते तो नरसिम्हा राव शायद इसको ला पाते, लेकिन राजीव गांधी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आगे देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो आप बिल्कुल बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, पंचायती राज। आप 74 देख के 74वां टिक नहीं करोगे, पंचायती राज की बात कर रहा है, 73वां टिक करोगे, ठीक है ना, कि संवैधानिक दर्जे की जो बात करती है, संवैधानिक दर्जे की जो बात करती है वो कौन सी समिति, एल एम सिंघवी समिति। एल एम का पूरा नाम क्या है, एल का मतलब लक्ष्मी और एम का मतलब मल्ल, तो लक्ष्मी मल्ल समिति कब आई, 1986 में आई, इसने क्या बोला कि संवैधानिक दर्जा दिलवाओ, क्या दिलवाओ, संवैधानिक दर्जा, तो 1992 या 1993 में 73वां और 74वां संविधान लेकर आए अपन संशोधन। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बता चुका हूँ, राजीव गांधी क्या हो गए थे, राजीव गांधी के समय में कौन सा आया था, 64वां, 64 कब आया था, 1989 में, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, ठीक। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी नहीं थी, इंदिरा गांधी के बाद तो आते हैं कौन, राजीव गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, इनके तहत इनकी मृत्यु हो जाती है, इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन पवन, ठीक, किसका, राजीव गांधी का, और उस समय कौन रहते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। इनके समय क्या आता है आपका, जब आप देखते हो एलपीजी प्रोग्राम आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, 1991 में, ठीक, जब अर्थव्यवस्था खतरे में थी उस समय इनके आर्थिक सलाहकार माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ठीक। यहाँ पे बीपी सिंह देखोगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके समय में मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन में क्या बोला गया, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात इनने करी थी सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये जो मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन बीपी सिंह के समय आया था, और बीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है, और ये राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और ये जीत भी जाते हैं, बाद में ये बोलते हैं धोखे से बना हूं या धक्के से बना मैं प्रधानमंत्री, इनका मीडिया में एक स्टेटमेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, और पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, मतलब कहने का कि यहाँ पे पंचायतों को कितने विषय दिए गए, तो पंचायतों को 29 विषय दिए गए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा संविधान की अनुसूची 11 बोल रही है। और इन 29 विषयों पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी या राज्य का जो विधानमंडल होगा वो कानून बनाएगा, समझ गए होंगे आप। और इसका जो आंसर होगा वो 243 जी होगा, क्यों, क्योंकि 243 एच में क्या लिखा है, पंचायतों को करारोपण की शक्ति, ई में क्या लिखा है कि प्रथम अधिवेशन से कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, ऐसा नहीं कि जिस दिन सरपंच बन जाएगा उस दिन से 5 साल, नहीं, जब पंचायत में प्रथम अधिवेशन आयोजित होगा
प्रथम अधिवेशन की डेट फिक्स की जाएगी, उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक क्या होगा, पंचायतों का कार्यकाल होगा। ठीक, ई कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई, ई 5 नंबर पे आता है, तो कार्यकाल भी कितना हो जाएगा इसका, 5 वर्ष हो जाएगा। एच, एच में क्या है, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति है, करारोपण। समझ गए होंगे आप बात। आगे बढ़ते हैं, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। बता चुका हूं कि पंचायतों को कितने आपको कार्य दिए गए, 29, कौन सी अनुसूची में 11, और अगर आपकी 12वीं अनुसूची बोलता तो 12वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट दिए गए, 18, और इन पर मतलब 12वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, नगर पालिकाओं के बारे में या नगरीय निकायों के बारे में, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, यहाँ पे आ जाएगा 12वीं अनुसूची में। संविधान का भाग 9A और संविधान का भाग 9/11 अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान से देखिए, भाग अगर बोले 9, भाग अगर बोले 9A या 9 का, तो ये हो जाएगा नगरीय निकायों से और ये हो जाएगा पंचायतों से। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची यहाँ पे आ जाएगी 11, यहाँ पे आ जाएगी 12, यहाँ पे आर्टिकल देखोगे 243 ए से 243 ओ तक, यहाँ पे आर्टिकल देखोगे 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक, यहाँ पे देखोगे 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे देखोगे 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पे देखोगे 29 विषय, यहाँ पे देखोगे 18 विषय। कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। ये आपका बेसिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब अपन पंचायती राज टॉपिक पढ़ेंगे तो पंचायती राज का इतिहास पूरा अपन ऋग्वेदिक काल से ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीक या ग्रामीण, वहां से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है, करने को अधिकृत है। बता चुका हूं कि पंचायतों से या नगरीय निकायों से संबंधित जो भी नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, राज्य का विधान मंडल बनाएगा। ठीक, अभी चुनाव होने हैं तो चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, कराने का निर्णय या जो घोषणा करता है कराने की, ये पंचायतों में चुनाव होंगे इस तारीख को, तो ये कौन डिसाइड करता है, तारीख जो डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, राज्य का निर्वाचन आयोग पंचायतों को चुनाव संपन्न कराएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो आगे क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको बता चुका हूँ। पहला सवाल देख लीजिए, एक स्त्री ढांचा बिल्कुल नहीं, और ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय 2 स्त्री ढांचा है तो, लेकिन अपवाद है तमिलनाडु में, बाकी ग्राम खंड और जिला स्तर पर 3 स्त्री ढांचा। और ये किसने बोला था, ये बोला था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता को कब बुलाया गया, 1953 में। क्यों बुलाया गया, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का विफल हो गया था, इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा समिति आई वो भी असफल हो गई थी, इसके बाद बलवंत राय मेहता को बुलाया, इसने काम किया और 3 स्त्री ढांचे की बात करी जो आज भी चल रहा है, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या मंडल स्तर पर पंचायत समिति या जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष होता है, बता चुका हूं कि जिस दिन अधिवेशन होगा उसी दिन से इनका कार्यकाल डिसाइड किया जाएगा, मतलब प्रथम अधिवेशन से कितने साल, 5 साल। नेक्स्ट देखो, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होंगे, तो ये आपको पता है कितनी अवधि के अंदर चुनाव होंगे, 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, देखो साहब, जन स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र होते हैं ग्राम पंचायतों में, ठीक, स्वच्छता का प्रबंध करना होता है उनको, और जन उपयोगी सेवाएं बिल्कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे मिलेंगी आपको, स्वच्छता के लिए आप देखोगे, जन स्वास्थ्य के लिए आप देखोगे, और लोक व्यवस्था का अनुसरण ये नहीं करते ये लोग, ये नहीं करते ये लोग, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुसरण ये कौन करेगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेंगी। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आजकल स्टैंडर्ड यही है प्रश्न पूछने का, आप देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल्कुल आएगा, ठीक, सबका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी पॉलिसी है अभी, कौन सा, आयुष्मान भारत है ना, जो अपने 23 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गई, शिक्षा हो गई, जनोपयोगी सेवाएं हो गई, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ठीक, ये नहीं होगा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं होगा, अनुशासन रखने के लिए पंचायतें जिम्मेदार नहीं है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, नहीं, ध्यान से पढ़ना, ठीक, भूमि सुधार, न्यायिक पूर्णावलोक, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, ये किसका काम है, न्यायपालिका का काम है, ठीक,
न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बता चुका हूं किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। कराएगा कौन? राज्य का निर्वाचन आयोग। कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। तो क्या राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा के भी करवाएगा? नहीं, विधानसभा के केवल करवाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 और ये आपका आ जाएगा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के में। के को टा भी बोल सकते हो ना, हिंदी में टा और इंग्लिश में के। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, जो एक स्त्री या इसकी जो संरचना है वो एक सदस्य है। जबकि वहां पे निर्वाचन आयोग की बात देखोगे कि सेंट्रल वाला जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और विधानसभा विधान परिषद के जो चुनाव करवाता है वहां पे त्रिसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष होता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखो, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। बता चुका हूं निर्णय राज्य सरकार करेगी। ठीक, आचार संहिता लागू करना, ये सब काम किसके हैं? चुनाव आयोग के। मतदाता सूची में या मतदाता सूची जारी करना, निर्वाचन के परिणाम जारी करना, ये सब काम निर्वाचन आयोग के हैं। लेकिन जो अधिसूचना जारी करेगी वो कौन करेगी? अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जो जारी करेगा वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। पंचायत राज्य पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये जो तीन सूचियां हैं आपकी, ये किस में है? संविधान की 7वीं अनुसूची में है। इनको तीन भागों में बांटा गया और ये जो तीन भागों में बांटने की प्रथा है ये कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची, अगर आपका रक्षा आ जाएगा, डिफेंस वाला, ठीक है, आपका बीमा आ जाएगा, आपका बैंकिंग आ जाएगा, ये सब पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होंगे उन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून अगर केंद्र सरकार को पसंद नहीं आता है तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगा वही मान्य होगा। मतलब कहने का कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है कनाडा से ली गई है, केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध बताए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि केंद्र की ओर झुका हुआ है अपना संविधान। इसलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा गया है। कहने का मतलब भारतीय संविधान संघात्मक तो है लेकिन एकात्मक की ओर इसका क्या है? झुकाव है। जब आपातकालीन शक्तियां लागू हो जाती हैं, राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन या आप बोलो वित्तीय आपात हो गया, इन सब आर्टिकल आपका 356 से 360 जो चलता है आपका, वहां पे आप देखोगे 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, 352, 356, 360 ये जो आर्टिकल हैं आपके, तब भी अपने संविधान का स्वरूप जो है वो एकात्मक नजर आता है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो प्रणाली है वो किसका विषय है? आपका राज्य सूची का। किसका विषय है? राज्य सूची का। नेक्स्ट लास्ट सवाल है आपका, पंचायत चुनाव होते हैं तो क्या सरकार की इच्छा अनुसार होते हैं? प्रत्येक 6 वर्षों में होते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं, प्रत्येक 4 वर्षों में होते हैं, होते साहब कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। लेकिन अभी ये कोरोना जैसी महामारी थी तो क्या कर दिया गया, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, बाकी आप राज्य सरकार ने डायरेक्ट अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कंट्रोल दिया इस चीज का, पंचायती जो चुनाव थे या जो पंचायत में सरपंच वगैरह थे, ठीक है ना, इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।